दोस्तों, भारत का एक इकोनॉमिक पावर की तरह राइज होना और अपने नेबरहुड में राइवल देशों की मौजूदगी के चलते सिक्योरिटी थ्रेट्स ने उसे अपनी फॉरेन पॉलिसी को रीअलाइन कर नए पार्टनर्स की तलाश करने पर मजबूर कर दिया है। इस कॉन्टेक्स्ट में आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के यूरेशिया और सेंट्रल एशिया के साथ रिलेशंस के बारे में और समझेंगे इस रीजन के स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस और चैलेंजेस को। इसके अलावा हम ब्रीफली इंडिया और सेंट्रल एशिया के रिलेशंस के इतिहास को भी समझेंगे और उसके फॉरेन पॉलिसी के इवोल्यूशन को भी। दोस्तों, यूरेशिया जियोग्राफिकली तो काफी बड़ा है, लेकिन जियोपॉलिटिकली ये मेनली सेंट्रल एशियन रीजन और उसके आसपास के कंट्रीज को रिफर करता है जो एशिया यूरोप के कनेक्टिंग लिंक्स हैं। इंडिया के सेंट्रल एशिया के साथ रिलेशंस की हिस्ट्री लॉन्ग और डीप कल्चरल लिंकेजेस की है। एंशियंट किंगडम्स जैसे कुशाना एम्पायर का टेरिटरी इन दोनों एरियाज में फैला था। इसके बाद ये कॉन्टैक्ट्स मिडविल एजेस में और डीपन हुए विद एडवेंट ऑफ इस्लाम एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम एम्पायर्स इन इंडिया। इनमें से कई रूलर्स सेंट्रल एशिया से ही आए थे। करेंटली सेंट्रल एशियन रीजन इंडिया के एक्सटेंडेड नेबरहुड का पार्ट है, जिसमें 5 मेजर नेशंस हैं: कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये पांचों देश फॉर्मर सोवियत यूनियन के पार्ट्स थे और 1991 में सोवियत के फॉल से ये इंडिपेंडेंट नेशंस बने। सोवियत के साथ इंडिया के गुड डिप्लोमेटिक टाइज के चलते इस रीजन के साथ गुड रिलेशंस मेंटेन करना इंडिया के लिए आसान था। इंडिया कुछ उन चंद देशों में था जिसका ताशकंद में कॉन्सुलेट था, लेकिन सोवियत के फॉल के बाद इस अपॉर्चुनिटी को इंडिया अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाया। इसके कई रीजंस थे। जैसे जैसे इंडिया मेनली अपने इमीडिएट नेबरहुड में फोकस था, स्पेशली इन काउंटरिंग पाकिस्तान। इसके अलावा यूएसएसआर के फॉल ने इंडिया को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कंपेरेटिवली आइसोलेट कर दिया था और यूएसएसआर का सक्सेसर रशिया खुद इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा था। इस आइसोलेशन को काउंटर करने के लिए यूएसए और आसियान प्रायोरिटीज बने और सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो न्यू कंट्रीज थे वो लो प्रायोरिटी स्टेट रहे। धीरे धीरे इंडिया ने पोस्ट कोल्ड वॉर ऑर्डर में एडजस्टमेंट शुरू किया और 1993 और 1995 में पीएम नरसिम्हा राव ने इनमें 4 कंट्रीज को विजिट किया। इंडिया ने इस दौर में कई एग्रीमेंट साइन किए जिनके फोकस एरियाज थे ट्रेड, इन्वेस्टमेंट्स और डेवलपमेंट असिस्टेंस। इसके अलावा शेयर्ड सेकुलर वैल्यूज और कॉमन थ्रेट्स जैसे फंडामेंटलिज्म, टेररिज्म और क्राइम की तरफ ध्यान खींचने की कोशिश भी हुई। ये शेयर्ड सिक्योरिटी थ्रेट्स मेजर ड्राइविंग फोर्स बने इंडिया सेंट्रल एशिया रिलेशंस के। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल था तजिकिस्तान सिविल वॉर बिटवीन 1992 एंड 1997। इसके पीछे अफगान मुजाहिदीन और तालिबान का हाथ था। इस दौर में तजिकिस्तान इंडिया का लॉन्ग टर्म मिलिट्री पार्टनर बना और इंडिया ने अपना पहला ओवरसीज मिलिट्री बेस तजिकिस्तान के फरखोर में बनाया और सोवियत एरा के डिसफंक्शनल एनी एयर बेस को रिनोवेट किया। इसके अलावा इंडिया उज्बेकिस्तान भी मेनली मिलिट्री कॉपरेशन पर बेस था, लेकिन तजिकिस्तान के कंपैरिजन में ये काफी लिमिटेड था। ताशकंद से इंडिया ने आर्म्स परचेज किए जैसे इल्यूसिन 78 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट। इस रीजन के कंट्रीज को इंडिया मिलिट्री ट्रेनिंग भी देता रहा है। कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ भी इंडिया के टाइज धीरे धीरे इम्प्रूव हुए, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो दोस्तों, ये था सेंट्रल एशिया और इंडिया के टाइज का एक ब्रीफ बैकग्राउंड। अब हम डिटेल में इन रिलेशंस को स्ट्रेटेजिक एंगल से समझते हैं। पिछले डिकेड में जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी रैपिडली ग्रो हुई, वैसे वैसे उसकी एनर्जी डिमांड्स बढ़ने लगी। एनर्जी अपना 80% ऑयल इंपोर्ट करता है, जिसमें से अकेले 55% पर्शियन गल्फ रीजन से आता है। बढ़ती एनर्जी नीड्स और पर्शियन गल्फ में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के चलते ये जरूरी हो गया है कि इंडिया अपने एनर्जी सोर्सेस को डाइवर्सिफाई करे। बीबीसी की एक रिपोर्ट के हिसाब से 3 कैस्पियन रिपब्लिक्स, अजरबैजान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में लगभग 50 बिलियन बैरल ऑयल है, यानी कि 3.5% ऑफ वर्ल्ड्स रिजर्व्स। इसके अलावा यहाँ कुछ 12.5 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस भी है, जो 6.8% ऑफ वर्ल्ड रिजर्व्स है। ट्रेडिशनली सेंट्रल एशियन कंट्रीज चाइना और रशिया के साथ एनर्जी ट्रेड करते रहे हैं, लेकिन अब वो भी अपने सप्लाईज को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में ये स्टेट इंडिया के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए इंडिया ने तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन, जिसे हम तापी भी कहते हैं, में पार्टिसिपेट किया, जो तुर्कमेनिस्तान के गैल्किनिश गैस फील्ड को इंडिया के फजिलका से कनेक्ट करने वाला है। लेकिन तापी के लिए प्लान रूट्स में पुअर कनेक्टिविटी, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट्स के चलते ये अभी तक ऑपरेशनल नहीं हुआ है।
इस पूरे प्रोजेक्ट में सबसे बड़े चैलेंजेस हैं अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी और पाकिस्तान इंडिया राइवलरी। इसके अलावा वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के हिसाब से कजाकिस्तान दुनिया का लार्जेस्ट यूरेनियम प्रोड्यूसर है विद 42% ऑफ प्रोड्यूस और उज्बेकिस्तान 7th लार्जेस्ट है। इसलिए इंडिया की न्यूक्लियर एनर्जी के लिए भी ये रीजन काफी क्रूशियल है। अनलाइक ऑयल एंड गैस, यहाँ इंडिया को काफी सक्सेस मिली है। 2008 में कजाकिस्तान ने इंडिया को न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप एनर्जी में इंडिया स्पेसिफिक एग्जेम्पशंस के लिए सपोर्ट किया ताकि वो एनर्जी कंट्रीज के साथ सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन कर सके। ये भी एक अचीवमेंट था क्योंकि इंडिया एनर्जी का मेंबर नहीं है, इसलिए उसे यूरेनियम इंपोर्ट्स में चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे। इसके बाद इंडिया और कजाकिस्तान ने 2010 में 2100 मेट्रिक टन यूरेनियम के लिए एग्रीमेंट किया और बाद में 2015 में ये 5000 मेट्रिक टन कर दिया गया। फिलहाल इसे 7500 से लेके 10000 मेट्रिक टन के लिए नेगोशिएशंस चल रहे हैं। 2019 में इंडिया ने उज्बेकिस्तान के साथ भी यूरेनियम सप्लाई के लिए डील साइन की थी। इसके अलावा इंडिया और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच FTA के नेगोशिएशंस भी चालू हैं, जिसके लिए कजाकिस्तान और किर्गिस्तान ने एक ज्वाइंट स्टडी ग्रुप सेटअप किया। इसके अलावा ये एरिया ऑयल, गैस और यूरेनियम के अलावा कॉटन, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन में भी रिच है और इसलिए इंडिया की इकोनॉमी के लिए ये रीजन काफी क्रूशियल है। इंडिया का यहाँ जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इसलिए भी है क्योंकि सेंट्रल एशिया यूरोप और एशिया के बीच स्ट्रेटेजिकली पोजिशनड है। इसके अलावा यहाँ चाइना, रशिया और ईरान का प्रेजेंस भी बढ़ रहा है जो USA के राइवल्स हैं। रशियन मिलिट्री बेसिस भी सेंट्रल एशिया में लोकेटेड है। एक पॉसिबल रशिया चाइना पाक नेक्सस की चर्चा भी तेज है और ये रीजन जोन ऑफ पावर टसल बन गया है जहां चाइना जैसे राइजिंग पावर ने BRI प्रोजेक्ट के थ्रू डीप इनरोड्स बनाए हैं। चाइना ने पिछले कई सालों में इंडिया के नेबरहुड में उसके डोमिनेंस को चैलेंज करने का काम किया है थ्रू इट्स पॉलिसी ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। चाइना पाकिस्तान के बढ़ते रिश्ते भी इंडिया के लिए सिक्योरिटी थ्रेट है, स्पेशली जब ये दोनों देश इंडियन टेरिटरी से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं। ऐसे में ये जरूरी है कि नेबरहुड के अलावा अपने एक्सटेंडेड नेबरहुड के साथ भी इंडिया अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करे। ये रीजन अफगान पीस प्रोसेस के लिए भी क्रूशल है जहां US विड्रॉल के बाद तालिबान का पावरफुल होना इंडिया के लिए एक चैलेंज हो सकता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी का जन्म हुआ है जो एक ब्रॉड बेस अप्रोच है ताकि पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक और कल्चरल कनेक्शंस के थ्रू कॉपरेशन बढ़ाया जा सके। 2015 में इंडिया ने कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी को रीइन्फोर्स करने का काम किया जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहले इंडियन PM बने जिन्होंने इस रीजन के पांचों देश को विजिट किया। ये रिन्यूड पुश चाइनीज डोमिनेंस और पाकिस्तान थ्रेट को काउंटर करने के लेंस से भी देखा जा रहा है। इसके बियॉन्ड ये रीजन इंडिया के लिए रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस को काउंटर करने के लिए भी जरूरी है क्योंकि अगर कोई भी सिक्योरिटी थ्रेट इन कंट्रीज में बढ़ता है तो उसका पॉसिबल स्पिल ओवर इंडिया में भी हो सकता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है इस रीजन में बढ़ता रेडिकलाइजेशन सपोर्टेड बाई ISIS या इस्लामिक स्टेट टेररिस्ट ग्रुप। एक एस्टिमेट के हिसाब से सीरियन सिविल वॉर के दौरान पावरफुल हुए ISIS को कई हजारों सेंट्रल एशियंस ने ज्वाइन किया। तालिबान, अलकायदा और बाकी के मिलिटेंट ग्रुप्स ने भी ISIS को ज्वाइन किया और यहाँ लोकेटेड इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान और हिज्ब उत तहरीर भी काफी समय से सेंट्रल एशियन स्टेट्स को डिस्टेबलाइज करने में लगा है। जैसे जैसे ISIS का मिडिल ईस्ट में कंट्रोल कम हुआ वैसे वैसे इसके फॉरेन फाइटर्स वापसी लौटने लगे जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज में एक कंसर्न है। ऐसे में इंडिया का सालों का एक्सपीरियंस इन काउंटरिंग टेररिज्म उसे यहाँ रिलेशंस इंप्रूवमेंट में हेल्प कर सकता है। इसलिए इंडिया ने यहाँ एक MOU भी साइन किया था रिलेटेड टू डिफेंस एंड मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन विद कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। इसके अलावा इंडिया और किर्गिस्तान ने अपनी बायलिटरल मिलिट्री एक्सरसाइज खंजर को एनुअली कंडक्ट करना चालू कर दिया है। इंडिया कजाकिस्तान की ज्वाइंट आर्मी एक्सरसाइज काजिंद 2016 से लगातार कंडक्ट हुई है। इन एक्सरसाइज का मेन फोकस ज्वाइंट काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन था। दोस्तों, सेंट्रल एशियन कंट्रीज का लैंड लॉक्ड होना, उज्बेकिस्तान का डबली लैंड लॉक्ड होना और इंडिया का कोई डायरेक्ट बॉर्डर ना होना मेजर चैलेंजेस हैं। इसलिए इंडिया ने मल्टीलेटरल लेवल पर आसपास के देशों के साथ एंगेजमेंट्स को बढ़ाया है ताकि रीजनल कनेक्टिविटी इम्प्रूव हो। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है 2016 का ईरान के साथ चाबहार पोर्ट को डेवलप करने का एग्रीमेंट जो अब ऑपरेशनल है। चाबहार के थ्रू सेंट्रल एशिया में गुड्स ट्रांसपोर्ट बढ़ाने के लिए इंडिया ने 2002 में इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC, 2017 में TIR कन्वेंशन
और 2018 में अशगाबाद एग्रीमेंट साइन की है। INSTC एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है जिसमें रेल, रोड और वाटर ट्रांसपोर्ट इंक्लूडेड है। ये कॉरिडोर मुंबई को ईरान के बंदर अब्बास और मॉस्को से कनेक्ट करता है। रशिया से ये रेलवेज के थ्रू इंडिया को यूरोप का एक्सेस भी देता है। INSTC लगभग 13% चीपर और 14% शॉर्टर है एज कम्पेयर टू करंट रूट वाया सेंट पीटर्सबर्ग। अगर इंडिया यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप साइन कर लेता है तो INSTC उसमें भी क्रूशल होगा। ओवर द ईयर्स INSTC का मेंबरशिप भी एक्सपैंड हुआ है जिसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान है। 2012 में उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ने भी INSTC में मिसिंग लिंक्स को कंप्लीट करने की बात की। TIR कन्वेंशन कस्टम प्रोसेस को ईज करता है और अशगाबाद एग्रीमेंट का एम है सेंट्रल एशियन कंट्रीज और ईरानियन और ओमानी पोर्ट्स के बीच शॉर्टेस्ट रूट्स डेवलप करना। अशगाबाद एग्रीमेंट में ईरान, ओमान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है। इसमें कुछ प्रोजेक्ट इस प्रकार है। ईरान तुर्कमेनिस्तान कजाकिस्तान रेलवे लाइन जो तुर्कमेनिस्तान को कजाकिस्तान के उजैन और ईरान के गोरगन से कनेक्ट करती है। अगला रेल लाइन है तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान ताजिकिस्तान लिंक जो अफगानिस्तान के अकीना एंड खोए को तुर्कमेनिस्तान के अतामूरत यमाम नजर से ताजिकिस्तान के प्यांस के थ्रू कनेक्ट करता है। इसके अलावा अशगाबाद का इम्पोर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि ये INSTC को मजबूती से डेवलप और यूज करने में भी हेल्पफुल होगा। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक यूरेशियन इकोनॉमिक और सिक्योरिटी अलायंस है जो 2001 में एग्जिस्टेंस में आया था जिसमें इंडिया को 2017 में फुल मेंबरशिप मिली। इसमें रशिया, चाइना और पाकिस्तान भी हैं। इस प्लेटफॉर्म में इंडिया की मेंबरशिप ये बताती है कि सेंट्रल एशिया में इंडिया एक इम्पोर्टेंट प्लेयर बन रहा है। ये प्लेटफॉर्म इंडिया की सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी को तो इम्प्रूव करेगा ही लेकिन साथ ही साथ उसे बाकी के मेजर पावर्स के साथ काम करने में और रीजनल पीस मेंटेन करने में भी हेल्प कर सकता है। SCO का सिग्निफिकेंस इसलिए भी है क्योंकि SCO ऑफिशियली कमिटेड है टू फाइट टेररिज्म, सेपरेटिज्म और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म थ्रू इट्स परमानेंट ऑर्गन रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर RATS। यही वजह है कि इंडिया ने 2020 में SCO का यूज पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए किया था। इंडिया RATS के थ्रू भी अपना कोलैबोरेशन इस रीजन में बढ़ा सकता है यूजिंग इट्स एक्सपीरियंस इन फाइटिंग टेररिज्म। इसके अलावा भले ही SCO में चाइना और पाकिस्तान जैसे इंडिया के राइवल देश हैं, लेकिन उसमें रशिया जैसा फ्रेंडली नेशन भी है जो सेंट्रल एशिया में मेन सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। SCO पोस्ट US विड्रॉल के वक्त अफगान पीस प्रोसेस में भी क्रूशल रोल प्ले करेगा, इसलिए इसमें मेंबरशिप इंडिया के लिए बेनिफिशियल ही है। इंडिया के इस रीजन में रिलेशंस को बढ़ाने में फिलहाल सबसे बड़ा चैलेंज उसका जियोग्राफिक डिसएडवांटेज ही है। ऊपर से पाकिस्तान के साथ डिटोरेटिंग रिलेशंस ने तापी जैसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स को रोक दिया है। अगला बड़ा चैलेंज अफगानिस्तान का पॉलिटिकल फ्यूचर है जो इंडिया के लिए सेंट्रल एशिया का गेटवे है। चाबहार को डेलाराम जारांज हाईवे से कनेक्ट कर इंडिया अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया का एक्सेस चाहता है, लेकिन अगर तालिबान यहाँ पावर में आ गया तो ये इंडिया के लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन सकती है। इसके अलावा US ईरान के बिगड़ते रिश्ते और इंडिया का US की तरफ झुकाव दोनों मिलजुल कर इंडिया ईरान के रिश्तों को खराब कर सकते हैं। ऊपर से चाइना के साथ ईरान के रिश्ते इम्प्रूव हो रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में यह जरूरी है कि इंडिया स्किलफुल डिप्लोमेसी यूज करके US ईरान टेंशन से खुद के रिश्तों को बचाए। जियो इकोनॉमिक्स का जियो पॉलिटिक्स से डायरेक्ट लिंकेज है, लेकिन आज तक सेंट्रल एशिया से एक ड्रॉप ऑयल भी यहां नहीं पहुंचा है। वहीं चाइना अपनी बेनिफिशियल जियोग्राफी के चलते इस रीजन के रिसोर्सेज से मैसिवली बेनिफिट्स ले रहा है। इन टोटैलिटी चेंजिंग जियोपॉलिटिकल सिनेरियो और इंडिया के रीजनल एस्पिरेशंस की वजह से अब वो सेंट्रल एशिया को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकता है। दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।